सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. कुछ बदला बदला स्क्रीन लग रही है आज, थोड़ा सा टेक सेवी सा लग रहा है हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग. क्या है, बढ़िया है. खैर, सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है भाई. आइडिया बेसिकली है कि इस शो के थ्रू आपको 20 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज जो आज आपको अपने रडार पर रखने, वो मेंशन कर दिए जाए. पहले लेकिन ग्लोबल मूड दिखा देता हूं, उसके बाद चर्चा. बहुत बढ़िया, बैक टू बैक 8 ट्रेडिंग, 8 हफ्तों से उछाल और फ्राइडे को रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे क्लोज. उसके ऊपर एक बढ़िया 150 पॉइंट प्लस का गैप अप मंडे को मिलने जा रहा है, 2/3% उछाल के साथ. और वाकई इस तरह का उछाल हुआ तो गिफ्ट निफ्टी तो 25,000 के ऊपर है. कैश में भी निफ्टी शायद उसी जोन के आसपास खुलने की तैयारी कर रहा होगा, 25,000 के इर्द गिर्द. और वजह है बेहतरीन ग्लोबल संकेत. लाइए पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब दिखाइएगा. ले चलिए इस टेबल को, ले चलना हो तो क्राउड के बीच में, स्टेडियम में, ग्राउंड में. ये देखिए, अब आपको पिच मेरे ख्याल से तो सख्ती है, एकदम सख्त पिच इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है. और वजह है यूएस से फ्राइडे को बहुत बढ़िया हैंडओवर, यूएस के बाजारों में तेजी थी फ्राइडे को. प्लस आज सुबह के फ्यूचर्स मजबूत हैं, हमारे सारे एशियन पीयर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं. पर इस तरह की पिच में जो कड़क पिच दिख रही है उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए. नीरज जी, क्या मामला है, बाकी इतनी कड़क है या कुछ नहीं? इतनी कड़क होगी. ओके, एक तो शुक्रवार होगी, मतलब आपने अंगूठा नहीं डाला, उंगली डाली क्या? अरे जा ही नहीं रही थी. अच्छा, कितना भी उंगली कर लो नहीं जा रही थी. वो कह रही थी जैसे जैसे वो फ्राइडे याद करो तो हटा लेता था तुरंत. फ्राइडे याद आया था मुझे कि अपने तूफान बल्लेबाजी की थी लोगों ने, और फिर उसको देखा देखी यूएस वाले भी वैसे ही फ्राइडे को अच्छा खेल रहे थे, और उनको ये लग रहा है कि वो जीत जाएंगे अब की बार फेड से, क्योंकि नंबर सपोर्टिव हैं, इकॉनमी थोड़ी सी वीक होती हुई दिख रही है. तो उम्मीद बन गई है कि इस बार रेट कट अगर नहीं हुआ, मान लो सितंबर में तो होना ही होगा, तो कमेंट्री बहुत पॉजिटिव दे देंगे. लेकिन पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट ने सेंस कर लिया है कि ऐसा होने वाला है, यूएस ऐसा में होने वाला है. तो इसीलिए बहुत बड़ी तेजी बन गई है. अपने यहाँ तो हमको लगता है कि अब लोग मकान खरीदने के इक्विटी में पैसा लगाएंगे, कहाँ देना 12.5% उधर. भाई रियल एस्टेट आज आप खरीदो, क्या अगले साल वो 20% प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा? नहीं बढ़ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं बढ़ेगा. तो और ऊपर से आपको इतना उसमें डिविडेंड लगा दिया गया, वो टैक्स लगा दिया गया कैपिटल गेन्स का, तो उधर का पैसा भी निकल के मार्केट में आएगा. चारों तरफ से मार्केट चलाने वाला माहौल है. तो खैर, इसमें मार्केट में क्या हुआ, यूएस में अच्छी तेजी बनी इंडाइसेस में, गिरा भी था तो इसलिए एक बाउंस भी आया वहाँ पे, और इसी होप ट्रेड में कि फेड कुछ करेगा. अर्निंग्स भी है बहुत सारे, लेकिन अभी इस हफ्ते ही की पूरी होप उसी पर टिक गई है, और सिर्फ उसी का नहीं है, यूके से भी और जापान से भी खबरें आनी सेंट्रल बैंकर्स की. तो इसी ट्रेड में मार्केट ऊपर गया, हालांकि वीकली बेसिस पे अभी भी S&P और नैसडेक नीचे ही है. छोटा वाला इंडेक्स तो वीकली बेसिस पे भी ऊपर है, उस दिन भी ऊपर था. तो माहौल अच्छा है, तेज़ी का माहौल है. अपने यहाँ तो वैसे भी आज क्या 25,000 दिखा रहा गिफ्ट निफ्टी, 25,000 पार हुआ ना, तो क्या ये जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है ना, 24,000, 25,000, 25,500, इसके बाद फिर और बढ़िया तेज़ी बनती है. ये देखिए 25,65 चल रहा है, 25,65 आज पार हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये 25,500 पर रुकेगा भाई साहब. ऐसे ही पैसा है चारों तरफ, गजब है. मतलब इस तरह की तेजी और इतने बड़े इवेंट्स के बीच में, जो इवेंट्स सी बट ऑब्वियस डिसअपॉइंटिंग थे लॉजिकली, बाजार साल के दो सबसे बड़े डाइसी इवेंट, चुनाव और बजट, और बजट निपट गए. अब कोई बड़ा इवेंट भारत में कम से कम दिसंबर तक नहीं बचा है. दिसंबर में क्या मतलब, ईयर एंड, मतलब ईयर इस साल के लिए, इवन फरवरी ले लो आप, अगले बजट से पहले तक कोई बड़ा इवेंट भारत में बचा नहीं, जिससे जिसको सोचो आप मन में. अभी तो क्या सब नॉर्मल चलेगा, अभी तो अच्छे दिन आएंगे, फेस्टिवल सीजन चलेगा, दिवाली, दशहरा, धनतेरस और खरीदारी और ये और वो नंबर्स. तो मुझे लगता है मार्केट को तो अच्छा ही रहना चाहिए, और महंगा है और महंगा बिकेगा. हाँ, मतलब थोड़ा लॉजिक से परे है, लेकिन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते. आप मोमेंटम के साथ चलना है. रिजल्ट इंडिया इंक के अब तक के अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे हैं. मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि अच्छे नंबर नहीं, डाउनग्रेड ज्यादा है. और उसके बावजूद वीकेंड अड्डा में एक बहुत अच्छी बात की सिंह, उसने कहा देखो जो नए लोग आए हैं ना मार्केट में, जिनके दम पे मार्केट आप चला रहे हो, रिटेल रिटेल जिसको आप रोज गुणगान करते हो कि रिटेल के दम पे चल रहा है, वो रिटेल यंगस्टर है. उसने नहीं देखा है 2008 वाली सब फालतू बातें, लोग उसको बताते रहे तो 2008 में ऐसा हुआ था ये, उसको क्या लेने देना, हिस्ट्री देख के तो कभी खरीद ही नहीं पाएगा वो.
अभी एवरेज पी 15-20 में कोई बढ़िया स्टॉक मिलेगा ही नहीं आपको, अभी सब 40, 50, 60, 70, 200। तो उसको लगता है ये सब पता नहीं कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं कि TCS 18 के पीछे पुराने बुजुर्ग ने इसी बात से बड़ा डरा रहे हैं कि इन्होंने हिस्ट्री नहीं देखी, इन्होंने मंदी नहीं देखी 2008 की, 2008 के बाद से 2012 तक का कंसोलिडेशन नहीं देखा। ये सब ज्ञान दिया जाता है, वो सब लार्ज कैप प्राइवेट। और आप गलत पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करते आप। आपको 20,000 रुपये बाजार महंगा लग रहा था और 25,000 पे भी आप वही बातें कर रहे हो। आप कल को गिर जाएगा तो आप बोलोगे देखो हम कह रहे थे, लेकिन ये 5,000 जो रैली जो आपने मिस करी वो क्या? नहीं देखो वैसे तो दिन में 2 बार बंद घड़ी वाला भी सही पड़ता है आदमी, तो आप कभी भविष्य में एक बार सही पड़ गए तो उसका ज्ञान नहीं है। वो सब जो जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो सब टॉप बैंक लेके बैठे हुए हैं। देखो मैंने वो लिया था उसी ग्लोरी में। देखिए आपके दादाजी ने घी खाया था इसलिए आपकी सेहत थोड़ी बनेगी, आपको घी खाना पड़ेगा यार। हमने उस जमाने में ऐसा कर लिया था इसलिए अभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, जमाना बदल गया है। तो इसलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा अब ठीक है, लेकिन सब गलत पड़े, किसी को समझ में नहीं आया। और ठीक है आप इस समय सिर्फ मोमेंटम के साथ रहो, बी विद द फ्लो। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच पॉकेट्स हैं उनसे निकल के आप, आपको इन्वेस्टेड रहना है बस, सीधी बात, इन्वेस्टेड आपको रोटेशन करते रहो अपने हिसाब से, सेफ्टी रहना, आंखें खुली रखनी है बस, अपना आंखें खुली रखनी है। हालांकि पता नहीं आंखें खुली भी रही तो आपके सामने हो सकता है आज नहीं तो कल होगा। हाँ। ऐसे नहीं हो सकता कि पहाड़ ऐसी ऊपर चढ़ते ही चले जाए, पर ठीक है अभी तो सब बढ़िया है। पर हाँ इंडिया के रिजल्ट्स खराब है, एक बार हाफ वे मार्क निकल जाए तो अपन उसका एक रिव्यू कर देंगे। निफ्टी की 50 में से 25-30 हो जाएंगी तो मिड पॉइंट एक रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि अब तक की तस्वीर तो बिगड़ी बिगड़ी सी है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नतीजों पे जा रहा हूं भाई। मूड अच्छा है पर मैंने लॉजिकली जो लाल रखने थे वो लाल ही रखे हैं। अब ये आज इतना अच्छा मूड है, इस तरह का गैप अप होगा तो लाल वाले भी पाप छुप जाएंगे। पर पहला पावर ग्रिड है, पहले तो स्टॉक भी रखिएगा पावर ग्रिड का लंबी अवधि का, तो आपको समझ में आएगा किस तरह के बढ़िया मूव्स इस स्पेस में पावर स्टॉक्स में सरकारी पावर कंपनीज में देखने को मिले हैं। पावर ग्रिड के नंबर्स जो हैं साल दर साल आए 2.5% गिरी, एबिटा 3% गिरा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है और मुनाफा भी 3.5-4% के आसपास गिरा, वीक है। इसमें एक ही हाईलाइट है कि खैर आपने जो मार्जिन एक्सपेक्ट किया था उससे स्लाइटली अहेड आया, बाकी टॉप टू डाउन आपको आंकड़ों में वीकनेस नजर आएगी। मैं नंबर्स के चलते तो एटलीस्ट, और जैसे आय का आंकड़ा 11,300 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, आया कितना 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, तो इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस है। उसमें बस एक मार्जिन थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, मुझे नंबर्स कमजोर लगे हैं, पर स्टॉक आपने देखा किस तरह से चल रहा है, बहुत स्ट्रांग एक्यूमुलेशन में है और आज ग्लोबल मूड भी अच्छा है। तो थोड़ा सा आप मेरे कहने पर मत जाइएगा, आप स्टॉक का बिहेवियर खुलने पर देखिएगा, पर कमजोर लगे। अच्छा डॉक्टर रेड्डीज स्लाइटली अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन नंबर्स थे, पर क्या है आज हाई बीटा वालों का दिन बन सकता है, तो पता नहीं फार्मा कितना रडार पर रहेगा। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज की हाईलाइट ये है कि बहुत सारी ब्रोकरेजेस इसको डाउनग्रेड डाउनग्रेड करती हैं, पर इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी इतनी छोटी है कि ये ज़्यादा करेक्ट होता नहीं है डॉक्टर रेड्डीज। खैर नंबर्स अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आय 14% बढ़ी, 7,200 करोड़ रुपए से कम की एक्सपेक्टेशन थी 7,670 करोड़ रुपए हो गई, अच्छे खासे एस्टिमेट्स को बीट करा। इबीटा 1% बढ़ा, पर ये एक्सपेक्टेशन से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीट है, वो आपको दिखेगा मार्जिन्स में। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड मार्जिन्स क्या हुए 29% वाले 28.2, 80 बेसिस पॉइंट्स गिरे। भाई साहब 28.2 पे हैं, 27-27.5 के बीच में स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, 70-80 बेसिस पॉइंट, तो उसको भी बीट कर गया मार्जिन। और तो नंबर अच्छे हैं, अब उसमें एक्सपेक्टेड वीकनेस की थी, कम वीक हुआ ऐसे करिए, और स्प्लिट अनाउंस कर दिया। 5 वाला स्टॉक मतलब 5 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1 रुपए हो गया है, तो 5 में विभाजित हो जाता है करंट स्टॉक, तो ठीक है मैं इसे ग्रीन लेता हूं। तीसरा उतना ही चैलेंजिंग है, जो बड़े बुजुर्गों के पास स्टॉक्स हैं जो नहीं चल रहा, उनमें एक ICICI बैंक भी है। अब ICICI बैंक है मिले जुले, ऐसा कोई बहुत कंप्लेंट नहीं है, मैं लाल लेके जा रहा हूं खराब बाजार अच्छे बाजार में, तो ये शायद ऐसा हो ना है, चल जाए ये स्टॉक। पर क्यों लाल है या क्यों थोड़ा सा कॉशियस है,
क्योंकि हमने पिछले 5-6 क्वार्टर्स से बख्शी साहब के आने के बाद से क्या देखा है, हर पैमाने पे आउट परफॉर्मेंस, और इसीलिए आईसीसी बैंक चले चले जा रहा था। वो जो आउट परफॉर्मेंस है वो मिसिंग है। हेडलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट ले चलता हूँ। सब कुछ ठीक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। अब आइए, हमें क्या क्या देखना था, डिपॉजिट्स पहले, क्योंकि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चैलेंज है। एचडीएफसी बैंक 20 बेसिस पॉइंट एफडी के रेट बढ़ा रहा है, इसीलिए 0.9% क्यू ऑन क्यू डिपॉजिट्स में ग्रोथ है, नेग्लिजिबल, फ्लैट है। मतलब एडवांसेस केवल 3.75% क्यू ऑन क्यू का इंप्रूवमेंट है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एनालिस्ट बैंक्स में देखते हैं 0.6% क्यू ऑन क्यू है, बहुत धीमा पड़ गया। प्रोविजनिंग में जंप है, रिटर्न रेशियो थोड़े से ठंडे पड़ते हुए, स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं। एनआईएम्स, खैर एनआईएम्स मैं ज्यादा रीड तो नहीं करूंगा, क्योंकि एनआईएम्स वैसे ही एक्सपेक्टेड था, सबके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो मार्जिनल सा कॉन्ट्रैक्शन है, बल्कि जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उससे कुछ बेहतर ही है, पर थोड़े से निगलिंग वरीज हैं उस बीच में, इसे मिले जुले नंबर्स कहना चाहिए। आज बाजार के मूड के साथ हरा होगा, लेकिन मैं लॉजिकली इसको लाल लेके जाना चाहता था। तीन दिग्गजों के साथ शुरुआत करिए, और दिग्गज सबके सब अपने मन की चाल चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर मैंने सिर्फ रिजल्ट्स का एनालिसिस दिया है। आपके कौन से? अच्छा, हमारे छोटे, उससे छोटे वाले दिग्गज हैं, सरकारी क्षेत्र का पीएनबी, और इसने बड़े बढ़िया नंबर पेश किए हैं, मुनाफा अभी काफ़ी बढ़ गया है, दोना तिगना हो गया। सबसे अच्छी बात है एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ग्रॉस एनपीए 4.98 आ गया, 5.73 था इनका, बहुत नीचे आया है, और आगे भी ये कह रहे हैं कि हम 4% तक इसको लेके आएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी 0.5% नीचे आई है, तो मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, पसंद आने चाहिए बाजार को। दूसरा MCX है, और इसके भी नंबर बहुत ही बढ़िया तोड़फोड़ आए हैं, हर मतलब क्वार्टरली देखो या ईयरली देखो आप, 234 करोड़ का रेवेन्यू और 138 करोड़ का ऑपरेटिंग नंबर, मुनाफा 111 करोड़, 88 क्वार्टर पिछले क्वार्टर में था, और एक साल पहले 20 करोड़ था, तो नंबर बहुत शानदार हैं, और अब तो सोना और सस्ता हो गया है, और ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होगी, तो MCX भी ग्रीन में रखिए। तीसरा IFB इंडस्ट्रीज़ है, इसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 1270 करोड़ का रेवेन्यू और 38 करोड़ का प्रॉफिट है, घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी, बहुत अच्छे नंबर पे इसके, रिकॉर्ड सेट है, और मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहे हैं। तीन स्टॉक मेरे ग्रीन के ग्रीन। ओके, अगले स्टॉक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाँ इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डाउनग्रेड आए थे दरअसल रिजल्ट के बाद, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हाईलाइट समझिए। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी जो विवेक जोशी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि FY25 इस करंट वित्त वर्ष में ये बैंक अपने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स को कंप्लाई करता हुआ नजर आएगा। तो ये स्टेक सेल वैसे ही अवेटेड था, डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट का, और अब इसी फाइनेंशियल, बाकियों के लिए नहीं कहा उन्होंने, स्पेसिफिकली इसी के लिए कहा, और ये वो बैंक है जो काफ़ी पटरी पर आ चुका है, 86.5% सरकार की हिस्सेदारी है इसमें। SBI कार्ड्स फिर से डिसअपॉइंटमेंट है भाई साहब, साल दर साल आय जरूर बढ़ी, मुनाफा फ्लैट है, और एसेट क्वालिटी डिटेरिएट कर रही है लपक के क्यू ऑन क्यू, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रख दी है। JNK बैंक अच्छा है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, NII और मुनाफे के आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, इंटरनल्स अच्छे हैं, तो सरकारी बैंक अच्छा कर रहे हैं, ये बात सही है, इसको ग्रीन रखा, अच्छे हो गए। अच्छा, नेक्स्ट थ्री में हमारे जो है उसमें अनंत राज, ये कहने को तो रियल एस्टेट कंपनी लगती है, लेकिन दरअसल ये अब डेटा की कंपनी हो गई है, डेटा सेंटर बनाते हैं, 472 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया, साल दर साल 316 से बढ़ा के, और मुनाफा 50 से बढ़ के 91 करोड़ हो गया है, और अभी रिसेंटली इन्होंने एक गूगल के साथ टाई अप भी किया, उस खबर में भी ध्यान रखिएगा, लेकिन नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। सुमिटोमो केमिकल, इसके भी नंबर बहुत बढ़िया, मार्जिन 11.5 से बढ़ के 28%, मुनाफा 61 से बढ़ के 127 करोड़, और रेवेन्यू जो है 724 से बढ़ के 925 करोड़ है, तो नंबर तूफानी है। छठवां स्टॉक हमेशा की तरह, हर क्वार्टर की तरह, नुआमा वेल्थ, बहुत ही बढ़िया नंबर, बहुत पैसा लोगों के पास भाई, इसको बहुत दे रहे हैं लोग, मुनाफा 221 करोड़ आया 123 से बढ़ के, तो बस इतना ही काफ़ी है आपके समझने के लिए, नंबर बहुत अच्छे हुए नुआमा के भी, तो 6 मेरे भी हो गए, इसको भी ग्रीन में रखिए। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4-4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, कुछ और नतीजों पे ही फोकस किया है, इसमें एक केन्स टेक्नोलॉजी, इसके भी नंबर भाई बहुत ही बढ़िया है, 500 करोड़ को रेवेन्यू पार कर गए, और
प्रॉफिट दुगना हो गया, 150 करोड़ का प्रॉफिट आया 24 के सामने और ऑपरेटिंग नंबर भी 64 करोड़ है, 100% की ग्रोथ है, गजब के नंबर है। यहाँ पे दो खबरों पे है, एक राइट्स है जो सरकारी रेलवे वाली कंपनी, अब ये बोर्ड मीटिंग है 31 तारीख को, बोनस शेयर पर विचार करेंगे नतीजों के साथ। फिर 9th नंबर की कंपनी है मन्नापुरम फाइनेंस, इसमें खबर ये आई है कि एक इनकी जो सहयोगी कंपनी है मन्नापुरम कॉम्पटेक एंड कंसल्टेंट, उसमें एक एम्प्लॉय द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान है और ये पकड़ा आरबीआई ने, तो नोटिस डाली इन्होंने एक्सचेंज पे, प्लस कई सारे केवाईसी में इन्होंने गड़बड़ किया है उसके लिए इनके ऊपर 41 लाख रुपये का फाइन भी लगा, वो भी नोटिस पड़ी हुई एक्सचेंज पे अलग से, तो इसको रडार पर रखिएगा, रेड में रख रहे हैं। और CMS इन्फो सिस्टम्स, नतीजों के बाद डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है परसों, उसमें 650 रुपये का टारगेट इसका दिया गया है। सी इन्फो नहीं भाई, ये मैप में इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, CMS इन्फो सिस्टम्स, वो जो ATM में पैसे डालने वाली कंपनी है, उसमें 650 का टारगेट आया, अभी शायद 550 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, तो उसको भी 10th स्टॉक के तौर पर रख सकते हैं। ओके, चलिए अब बचे हुए 4 स्टॉक्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। अभी तक कितने हो गए थे, 6। अगला है BHEL, इसे लेटर ऑफ इंटेंट मिला 10,000 करोड़ रुपए का दामोदर वैली कॉरपोरेशन से एक प्रोजेक्ट के लिए, ऑर्डर बैक करा, बेसिकली ग्रीन कर दिया। कैप्टन पाइप्स, वो जो PVC पाइप्स बनाने वाली कंपनी, आए साल दर साल 9.5% बढ़ी, EBITDA उसके सामने 44% बढ़ा, मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफा 55% का जंप है। तो मुनाफे में भी दरअसल 225 बेसिस पॉइंट्स का, 227 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है। और ये अहमदाबाद में नया प्लांट जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको कहा है कि एज पर शेड्यूल है 20,000 MTPA कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं उसके थ्रू। ग्लेनमार्क लाइफ, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लोजर नोटिस दिया इनके अंकलेश्वर फैसिलिटी के लिए, इसीलिए लाल करा। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी ऐसे ही अच्छे हैं, साल दर साल देखें क्यों, वैसे साल दर साल देखना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजीज है, लेकिन ये डिफेंस कंपनी है, नाम में टेक्नोलॉजी, कई लोग क्यों क्यों लिखते हैं, क्यों क्यों स्क्रीन पर है, पर साल दर साल 132 करोड़ से आय बढ़कर 254 करोड़ रुपीज हो गई है, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन है इधर वेज और मुनाफे में भी तगड़ा जंप है। तो मैं साल दर साल देखूं, मैं क्यों देखूं, नंबर्स अच्छे हैं, खैर ये स्टॉक भी बहुत चल रहा है तो वह बात अलग, कहां होता था और कहां 1500 रुपये प्लस का स्टॉक हो गया, 10 हो गए, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे, सिर्फ रिजल्ट से खबरों के जैसे लाल हरे हैं, आज मार्केट का मूड एकदम अलग है, ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड, ICICI बैंक, SBI कार्ड खराब नंबर्स के चलते लाल, डॉक्टर रेड्डीज, J&K बैंक, इवन कैप्टन पाइप्स और जेन टेक्नोलॉजीज अच्छे रिजल्ट के चलते ग्रीन में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की होप्स डाइवेस्टमेंट रिलेटेड और ग्लेनमार्क लाइफ के एक प्लांट पे गाज गिरी और BHEL को एक ऑर्डर मिला, इसीलिए सब स्टॉक्स रेड आर पे। ओके, फोकस हमने रिजल्ट पे ही ज़्यादातर किया है और छोटे मझोले शेयर हैं। PNB दिग्गज है, थोड़ा बहुत ही अच्छे नतीजे आए तो इसके इसको रखा है। MCX, IFB इंडस्ट्रीज, अनंत राज, सुमितोमो, ये सब बहुत तूफानी रिजल्ट पेश किए इन्होंने। नुआमा वेल्थ हर क्वार्टर में हर साल बढ़िया नंबर, केन्स टेक्नोलॉजीज भी उसी लीग में। राइट्स में खबर आई है कि 31 जुलाई को बोनस शेयर पर विचार करेंगे, बोर्ड बैठक है। मन्नापुरम फाइनेंस में इनकी एक सहयोगी कंपनी में 20 करोड़ रुपये के एक एम्प्लॉय द्वारा फ्रॉड का पता लगा है, अनुमान है कि शायद ऐसा हुआ होगा, आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। और CMS इन्फो सिस्टम्स पर नतीजों के बाद डैम कैपिटल की रिपोर्ट है और 650 का टारगेट है बाई कॉल के साथ। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ा हफ्ता, बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता होने वाला है क्योंकि शुक्रवार के कंधे पर चढ़ के हम लोग सोमवार की ट्रेडिंग करेंगे ना। वाह वाह, मतलब गैप अप के साथ चलेंगे, गैप अप के साथ। और इस साल अमेरिका से भी अच्छी खबरें आने की संभावना, इस साल मतलब इस हफ्ते, और जापान से भी और UK से भी। तो हफ्ता चलने का बहुत बड़ा हफ्ता है इस बार,
तो इस बड़े में बड़ी सी कविता सुनी जाएगा। हाँ, और उसमें मतलब वीरू से ये भी जानना है कि अगर कंधे पे चढ़े हुए हैं तब तो कोई कुत्ता नहीं काटेगा ना, गारंटी है ना? ये भी जान लेंगे। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। संकेत अच्छे, यूएस से संकेत अच्छे, हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए और आज भी आशीष डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 158 अंक ऊपर, तो अभी तो हर निशान इस सोमवार को नए आई थिंक हफ्ते में। बेहद शानदार आशीष। ओके, अच्छा मूड माहौल है, वो गिफ्ट निफ्टी सुबह से दिखाई रहा है किस तरह के बढ़िया गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब पे चर्चा होनी है। ये जो फ्राइडे के ऊपर चढ़ के हम लोग मूड दिखा रहे हैं, शायद 25,000 को के इर्द गिर्द शायद खुल रहे होंगे, इस तरह के गैप अप की तैयारी हो रही है। क्या रीजंस हैं उसके पीछे और कैसे अप्रोच करें मार्केट को, उस पर डिटेल में बातचीत। लेकिन आज सोमवार के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस,